मेरा आप लोगों से केवल इतना निवेदन है, इतिहास से सीखिए, थोड़ा चिंतन करिए कि भारत की संस्कृति अगर कमजोर हो रही है, नवरात्रा मनाने वालों का परसेंटेज कम हो रहा है, माता को मानने वालों की संख्या 90% से 95% हुई, 100% से 95 हुई, फिर 90 हुई, फिर 85 हुई, फिर 88 हुई, 80 हुई, 78% हो गई है, तो आने वाला 25 साल ठीक नहीं है। और एक बात और आपको बता दूं, आज के नेता, आज के अभिनेता, आज के लेखक, आज के बुद्धिजीवी, आज के पत्रकार, आज के कलमकार, आज के गायक, आज के कविता पाठ करने वाले 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, पिछले 20-25 साल के रिसर्च के बाद कह रहा हूं, आज का कानून अगले 500 साल तक आपके बच्चों को बचाएगा, आपकी आने वाली पीढ़ियों को बचाएगा, ना उनका धर्मांतरण होगा, ना उनको टॉर्चर किया जाएगा। और ये हमें रामचरितमानस से सीखना चाहिए। रामचरितमानस में एक तरफ लिखा है, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहिं स्वधर्म निरत सुहृद नीति। सब लोग अपने अपने परस्पर प्रीति करते हैं, अपने स्वधर्म का पालन करते हैं। फिर भगवान राम आगे कहते हैं, भय बिन होय, जोर से बोलिए भय बिन होय। ये भय कौन पैदा करेगा? हम आप पैदा करेंगे क्या? अरे भय पैदा करना शासन का काम है। एक अवैध निर्माण करने वाले को 20 साल सजा दे दीजिए, दोबारा कोई अवैध निर्माण नहीं करेगा। एक घुसपैठियों को उठा के 20 साल सजा दे दीजिए, भारत के अंदर लोग आना बंद कर देंगे। ये परमाणु बम हम किस लिए बनाते हैं? चलाने के लिए बनाते हैं क्या? डराने के लिए। हमने ब्रह्मोस बनाई, अग्नि बनाई, राफेल खरीद लिया, चलाने के लिए बनाया क्या? डराने के लिए। हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, छड़ी लेके चलते हैं, कुत्ते को मारने के लिए क्या? नहीं, कुत्ते को। ऐसे जो कठोर कानून होता है, स्पीडी जस्टिस सिस्टम होता है, वो केवल और केवल लोगों को भय बिन होय न प्रीत इस सिद्धांत के लिए होता है। दुनिया के जिन देशों ने 60-60 समाचार सिद्धांत को अपनाया, दुनिया के जिन देशों ने राम के भय बिन होय न प्रीत सिद्धांत को अपनाया, वहां शांति है, समृद्धि है, खुशहाली है। दुबई देख लीजिए, जापान देख लीजिए, सिंगापुर देख लीजिए, चीन देख लीजिए। और भारत में दुर्भाग्यवश हम इंडिपेंडेंट तो हो गए, स्वतंत्र नहीं हुए। आप सोच रहे होंगे दोनों एक ही है, दोनों एक नहीं है। इंडिपेंडेंट तो हो गया भाई, ठीक, अंग्रेज चले गए, स्वतंत्र अपना तंत्र आया क्या? गुलामी का नाम चल रहा है, गुलामी का निशान चल रहा है, गुलामी की कुरीतियां, गुलामी की कुप्रथाएं, गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की न्यायिक व्यवस्था, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था, गुलामी की चिकित्सा व्यवस्था, गुलामी का टैक्स सिस्टम, 51 शक्तिपीठ, पहला शक्तिपीठ जहां माता का मुकुट गिरा उसको कहते हैं कीर्तेश्वरी। आपको पता है कीर्तेश्वरी कहां है? आपके बंगाल में है। एक मुर्शीद खान नाम का लुटेरा आया, कीर्तेश्वरी मंदिर को तोड़ा और कीर्तेश्वरी भी अपनी नेम प्लेट लगा के चला गया, उसको मुर्शिदाबाद बना के चला गया। आज समय बहुत कम है, मैं कुछ सवाल छोड़ के जा रहा हूं। तुलस्यान साहब ने मुझे 15 मिनट ही बोला है और ये बताया आप लोग भजन सुनने आए हैं, आप लोग भजन सुनने आए हैं इसलिए भारत की, और भारत की नहीं, मैं सनातन की, सनातन का मतलब भारत, भारत का मतलब सनातन, भारत की सभी समस्याओं का इलाज है। लेकिन एक बार हमें अपनी सोच बदलना पड़ेगा, एक बार हमें दल गुलामी छोड़ना पड़ेगा, एक बार हमें स्वतंत्र भाव से कड़वा सच सुनना पड़ेगा, कड़वा सच समझना पड़ेगा और कड़वा सच बोलना पड़ेगा और कड़वा सच लिखना पड़ेगा।
मीठे झूठ ने हमें बर्बाद कर दिया, केवल और केवल मीठा झूठ। और मीठा झूठ कैसे, कवि सम्मेलन होता होगा, आपने किया होगा, 2 लाख रुपए किसी कवि को दे दीजिए, लेते ही हैं 2 लाख रुपए, लेते हैं कम से कम। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, ये बोलते नहीं बोलते। अरे दुर्योधन का ननिहाल गंधार अफगानिस्तान हो गया, भरत का ननिहाल कहके पाकिस्तान हो गया, आधा बंगाल निकल गया, 9 राज्यों में खत्म हो गए, 200 जिलों में खत्म हो गए, 900 तहसीलों में खत्म हो गए, बॉर्डर से पूरे घिर गए, और कुछ रह के कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को मीठा झूठ सुनने की आदत पड़ चुकी है, और मीठा झूठ चूंकि आप ताली बजाते हो तो मीठा झूठ बोल बोल के ताली बजवाते। हम कड़वा सच बोलते हैं, मीठा झूठ बोलते तो भाई साहब ने कहा ना, अब तक संसद में होते। जिस पार्टी का संविधान हमने रखा लिखा हुआ है, वो पार्टी 3 बार सरकार में आ चुकी है और उसका मुख्यमंत्री जेल में है। उस पार्टी का संविधान हमने लिखा हुआ है और लंबे समय तक काम किया, मीठा झूठ नहीं बोला, इसलिए हम बाहर हैं, बाकी लोग अंदर हैं। एक विषय पे मैं क्लोज करूंगा। मेरा यह मानना है, क्योंकि यहां पे ज्यादातर मुझे बताया गया कि यहां आप लोग बिजनेस व्यापार करने वाले, एक मेरी PIL भी चल रही है, ये GST खत्म किया जाए, इनकम टैक्स खत्म किया जाए, VAT खत्म किया जाए, TDS खत्म किया जाए, सारे टैक्स खत्म किया जाए, जैसे चाणक्य के समय में 1 नेशन 1 टैक्स था, वही सिस्टम लागू किया जाए। कमाने पे कोई टैक्स नहीं, केवल खर्च करने पे टैक्स लगाया जाए, बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लगाया जाए, उसकी शुरुआत करनी चाहिए। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, आप लोग इसके लिए डिमांड करिए, 1 नेशन 1 टैक्स लागू हो जाएगा, सरकार का खजाना बढ़ेगा, आपके ऊपर से इंस्पेक्टर की तलवार बंद हो जाएगी। कभी GST इंस्पेक्टर आपको धमकाता है, कभी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर आपको धमकाता है, कभी TDS वाला धमकाता है, कुछ न कुछ लोग धमकाते रहते हैं। अरे ये जितने डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स, TDS, GST, ये कोई प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट है क्या? ये किसी को रोजगार देते हैं क्या? ये कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं क्या? ये कोई ट्रेडिंग करते हैं क्या? यही तो करते हैं, आपका पैसा लिया और यहां पहुंचा दिया। अगर हमारे पास ऐसा सिस्टम है जहां 225 करोड़ बैंक खाते खुल चुके हैं, गरीब से गरीब आदमी बैंक से जुड़ा हुआ है, सबके पास रुपए कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, सब आदमी जुड़ गया, तो काहे लिए टैक्स सिस्टम करना? चाणक्य का अर्थशास्त्र समझिए। चाणक्य ने 1 नेशन 1 टैक्स लागू किया था, भारत की GDP 40% थी। चाणक्य, आप लोगों से आग्रह करूंगा, कभी शौक हो, या मेरा एक वीडियो उस पर है, चाणक्य के ऊपर है, पढ़िएगा, सुनिएगा उसको। भारत की जुडिशियल सिस्टम को बदल दिया जाए, यह जो गुलामी की न्यायिक व्यवस्था चल रही है, अगर ये सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था बदल दिया जाए, 2% GDP आप लोग बढ़ा देंगे, बाहर के इन्वेस्टमेंट की जरूरत ही नहीं, 2% बढ़ जाएगी, केवल 1 नेशन 1 टैक्स हो जाए, जस्टिस विद इन ईयर हो जाए, मुकदमों का फैसला 1 साल के अंदर शुरू हो जाए। एक दलाल नेता आपको आके धमकाता है, आपसे वसूली करता है, आपसे हफ्ता वसूली करता है, आप लाचार होकर सुनते हैं। नॉर्थ ईस्ट का तो बहुत ही बुरा हाल है, पूरा पैरेलल में सिंडिकेट चलता है। मैंने अरुणाचल के लोगों से, नागालैंड के लोगों से, बाकी नॉर्थ ईस्ट में जो मारवाड़ी बंधु हैं, माहेश्वरी समाज, जैन समाज के लोगों से मेरी चर्चा होती है, पैरेलल में पूरा सिस्टम चल रहा है। यह 1 नेशन 1 टैक्स लागू हो जाएगा, उनकी दुकान बंद हो जाएगी, और जस्टिस विद इन ईयर। जानते हैं घूसखोरी इसलिए चल रही है क्योंकि घूसखोरों को ना आजीवन कारावास फांसी होती है, ना नागरिकता खत्म होती है, ना साल भर के अंदर उनको सजा होती है। 1 साल के अंदर सजा हो जाए, शुरू हो जाए घूसखोरी बंद, 1 साल के अंदर सजा होना शुरू हो जाए कमीशनखोरी बंद, 1 साल के अंदर सजा होना शुरू हो जाए मुनाफाखोरी बंद, 1 साल के अंदर सजा होना शुरू हो जाए घुसपैठ बंद, 1 साल के अंदर सजा होना जाए धर्मांतरण बंद, 1 साल के अंदर सजा होना शुरू हो जाए पत्थरबाजी बंद, 1 साल के अंदर सजा होना जाए शुरू हो जाए अराजकता बंद। तो भारत की जितनी समस्याएं हैं, इसमें 50% समस्याएं इस सड़े हुए कानून और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था के कारण, और हर चीज की कीमत है। स्कूल बनाने में लागत आती है, हॉस्पिटल बनाने में लागत आती है, ये आलीशान क्लब बनाने में लागत आती है, एयरपोर्ट बनाने में लागत आती है,
लेकिन भारत के कानून बदलने में कोई लागत आएगी क्या? भारत के प्रत्येक कानून को इतने तो करना है ना, हमें हर कानून को सिंगापुर, अमेरिका, जापान, उनसे कंपेरेटिव स्टडी करके, एनालिसिस करके उसमें बदलाव करना है। हुआ क्यों नहीं? आप लोगों ने डिमांड नहीं किया। आप लोगों से मतलब अपने दिल पे मत लेना, आप सामने बैठे हो, क्योंकि ये वीडियो 4-5 करोड़ लोग देखते हैं, तो मैं 4-5 करोड़ लोगों को एड्रेस कर रहा हूं। हर समस्या का समाधान है, लेकिन आज मैं केवल कुछ सवाल छोड़ के जा रहा हूं। समस्याओं का समाधान बताने के लिए मुझे 1-1.5 घंटे का समय चाहिए। तुलसीराम जी, आप एक कार्यक्रम अलग से प्लान करिए इसी हाल में। मैं आऊंगा, अपने अपने सवाल आप लिख के रखिए, मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, एक अंतर यह भी है, हम कहते हैं धर्म की जय हो, हम कभी कहते हैं क्या हिंदुओं की जय हो? कभी जैन कोई कहता है जैन की जय हो, कोई बौद्ध कहता है बौद्ध की जय है। इसलिए इंडियन रिलीजन और फॉरेन रिलीजन में यही डिफरेंस है। इंडियन रिलीजन बुद्धिज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, ये इंडियन रिलीजन, फॉरेन रिलीजन बाकी आप जानते हैं, उसका नाम नहीं लूंगा। बाकी रिलीजन कहते हैं हमारी जय हो, हमारे विरोधियों का नाश हो, हमारे रिलीजन वालों में सद्भावना हो, हमारे रिलीजन वालों का कल्याण हो। हम क्या कहते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन पढ़ाया नहीं गया। इसीलिए मेरी एक PIL समान शिक्षा लागू करने पर भी चल रही है, एक मेरी PIL समान नागरिक संहिता लागू करने पर भी चल रही है, NRC लागू करने पे भी मेरी PIL चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, धर्मांतरण रोकने पे भी PIL चल रही है, घुसपैठ रोकने पे भी PIL चल रही है। जब जब जहां मैं कार्यक्रम में जाता हूं, जहां से जो फीडबैक आती है, उस फीडबैक के आधार पर मैं PIL फाइल करता हूं। 150 से ज्यादा PIL हो चुकी है, और कुछ एक में तो मेरे खिलाफ 20-20 PIL आती है। NRC लागू करने की मांग वाली तुलसियान जी, एक PIL है, हमारी PIL को डिसमिस कराने के लिए 22 PIL है। उस 22 PIL में भूतपूर्व कानून मंत्री खड़े होते हैं, भूतपूर्व वित्त मंत्री खड़े होते हैं, भूतपूर्व गृह मंत्री खड़े होते हैं, भूतपूर्व शिक्षा मंत्री खड़े होते हैं, भूतपूर्व विदेश मंत्री खड़े होते हैं। मैंने PIL फाइल किया, धर्मांतरण राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, NSA लगाओ, धर्मांतरण देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, UAPA लगाओ, धर्मांतरण से डेमोग्राफी बदल रही है, वेजिंग वॉर की धारा लगाओ, धर्मांतरण एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, गैंगस्टर एक्ट लगाओ, धर्मांतरण कराने वालों और उनके मददगारों के 100% प्रॉपर्टी जब्त करो, उनकी नागरिकता खत्म करो, आजीवन कारावास फांसी दो। उसका विरोध करने के लिए 12 PIL आई है, और मैंने फिर से बताया उसमें 6 भूतपूर्व कैबिनेट अपीयर होते हैं। हमारी हालत सुप्रीम कोर्ट में अभिमन्यु वाली है, पूरी तरीके से घिरा हुआ हूं। आप लोगों का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद है, जब तक हूं लड़ रहा हूं, जब तक रहूंगा लड़ता रहूंगा। मेरा एक ही लक्ष्य है, भारत में राम राज्य की स्थापना। राम राज्य के लिए जरूरी है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। और अधर्म का नाश करने के लिए भारत के संविधान में बहुत सारा संशोधन करना पड़ेगा, और भारत के नियम कानूनों को बदलना पड़ेगा, पुलिस व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। जब तक जिंदा हूं ये लड़ाई जारी रखूंगा, नहीं रहूंगा आप लोग कोई ना कोई आगे लगता रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। कलकत्ता के इतिहास में आज एक अद्भुत नजीर देखने को मिली। होता यह है कि आमतौर पर वक्ता अधिक बोलना चाहता है और दर्शक बीच में तालियां बजाकर हूट कर देते हैं। आज अश्विनी उपाध्याय जी ने कहा कि मैं आज कम बोलना चाहता हूं, और दर्शकों ने खड़े होकर के कहा कि नहीं, आपको बोलना है। और जब ये माइक छोड़कर जा रहे हैं, मैं देख रहा हूं पीछे कुछ भाई लोग खड़े होकर के तालियां बजा रहे हैं ऐसे अप्रतिम अवसर के लिए। और मैं आह्वान करूंगा दोस्तों, 1947 में कहने के लिए हमें आजादी मिली, लेकिन इन 77 वर्षों में कई ऐसे शूल हैं जो हमारे वक्ष पर आज भी चुभ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफी कांटे दूर किए हैं, लेकिन अभी भी संसद में और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बहुत से शूल को अभी निकालना दूर है, जरूरी है, और उसको निकालने का ये काम कर रहे हैं माननीय
उपाध्याय जी, मैं हिंदुस्तान क्लब और आयोजक संस्थाओं की ओर से आदरणीय संस्था के मंत्री सुधीर सतनाली वाला जी और हमारे कर्मठ कार्यकर्ता अंजनी धानुका जी से निवेदन करूंगा कि आप कृपया पूरे सदन की ओर से जोरदार तालियों के साथ में नरेंद्र जी भी कृपया साथ में आ जाएं, उनका सम्मान करें, अश्विनी उपाध्याय जी को सुनना। दोस्तों, इसी माइक से मैं कह रहा हूं कि एक दिन वो आएगा जब भारत की संसद में ये आपको आवाज सुनाई पड़ेगी, लोकसभा में न सही राज्यसभा में ये आवाज गूंजेगी, और ये हजारों लाखों लोगों की डिमांड नहीं, करोड़ों